नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। ये आप देख लीजिए, हाथी है, आप पहचाने गए होंगे। और हाथी की जो मूर्ति होती है घर में रखना बहुत शुभ होता है। जब हम प्राचीन महल, किले ये सब देखते हैं तो उनमें हम कहीं ना कहीं हमें बैठे हुए खड़े हुए हाथी दिखाई देते हैं, क्योंकि हाथी जो है सत्ता का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है, आत्मसम्मान का प्रतीक है, धन का प्रतीक है। वैभव लक्ष्मी माता की जब पूजा करते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा। इसके अलावा जो ऐरावत हाथी है वो भी यश और अपार धन संपदा का द्योतक है, पावर का द्योतक है, प्रतिष्ठा पद का द्योतक है। तो घर में हाथी रखना बहुत शुभ होता है। सूंड उठाए हुए हाथी आपको बहुत ज़्यादा लकी रहते हैं, तो घर में सूंड उठाए हुए हाथी जरूर रखने चाहिए। हाथी का जो सूंड है वो घर के भीतर की तरफ रखें करते हुए, अगर घर के अंदर आपने रखा हुआ है और बाहर है तो आप दोनों साइड दाएँ बाएँ करके रख सकते हैं। कई लोग मुख्य द्वार पर गेट के साइड इधर उधर भी हाथी की जो प्रतिमा है उसको लगाते हैं। हाथी की जो प्रतिमा है ये आपको मैंने देखा था, जयपुर से जब महुआ की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर एक जगह पड़ती है, शायद सिकंदरा ही है, उसके आसपास मैंने काफ़ी पत्थर से, स्टोन से बने हुए मूर्तियाँ देखी थी मैंने। तो वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी का नंबर नहीं लिया था और मैं कार से जा रही थी। हम लोग भरतपुर केवला देव गए थे तो कार से ही जा रहे थे, तो बीच में हम रुके नहीं थे वहाँ पर, लेकिन मैं देखती हुई गई थी क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड था इसलिए, क्योंकि शाम तक वापस भी आना था। तो लेकिन मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ वो नंबर शेयर करूँगी, क्योंकि हाथी बहुत अच्छे वहाँ पर थे और अन्य मूर्तियाँ भी भगवान की बहुत अच्छी अच्छी पत्थर की, स्टोन की बनी हुई थी वहाँ पर, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप सर्च करेंगे ना तो वैसे भी आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, हाथी रखना बहुत शुभ है। घर में आप टेराकोटा का बना हुआ हाथी भी रख सकते हो, चांदी का हाथी रखते हो तो धन संपदा आती है। सफ़ेद रंग का हाथी भी घर में रखना बहुत शुभ होता है, लेकिन मार्बल का ऐसा हाथी ना रखें जो टूट, जैसे पीसेस में जोड़कर जो बनाते हैं ना, कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो बना लेते हैं हाथी, वो रोगों को लेकर आने वाला होता है। तो ऐसा हाथी कभी भी घर में ना रखें। घर में हमेशा प्योर और अच्छी तरह से बना हुआ, जिसमें टूट फूट नहीं हो, कहीं भी खंडित नहीं हो, कुल मिला के ऐसा हाथी आपको रखना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा लकी और शुभ होता है और पद और को दिलाने वाला होता है। हाथी की जो मूर्ति है जोड़ों में भी रखी जा सकती है, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी रख रहे हैं तो एक हाथी पर्याप्त होता है, बाकी आप दो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से घर में हाथी की प्रतिमा जरूर रखें और इन अनगिनत लाभों को प्राप्त करें।